हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। तो यार, यहाँ पर अक्सर होता है कि अपन कुछ चीजें रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट डिस्कस करते रहते हैं, तो आज भी वैसे ही होगा। अब यार, सबसे पहले बात आती है, ये जब ये सब चीजों की बात आती है ना, तब सबसे पहले आता है पैसा। अब यार, पैसों को दो तरीके से कमाया जा सकता है, एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। अब यार, एक्टिव इनकम कम यानी कि एक ऐसा पैसा जो आप एक लंबे समय तक काम करके कमाए हो, और उसी पैसों को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो या अपने कुछ दूसरे साइड कामों में लगाते हो, तो इस तरह से आती है दूसरे टाइप का पैसा जो आपने अर्न किया है या आपने इन्वेस्ट करके लाया है, तो ये हो जाता है पैसिव इनकम। अब गाइस, पैसिव इनकम कम और एक्टिव इनकम दोनों कनेक्टेड है, बिकॉज पैसिव इनकम तब आएगी जब एक्टिव इनकम को एक लंबे समय तक कमाया गया हो, उसका एक लंबा पोर्शन इन्वेस्ट किया हो, और तब कहीं जाके थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम होते होते पैसिव इनकम आना शुरू। तो अगर आपको लगता है कि दोनों टर्म्स डिफरेंट, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और एक को किए बिना दूसरी उठाई जा सकती है, तो बहुत मतलब किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। तो इस तरीके से ये हो जाती है इस टाइप की चीज़ें। अब गाइस, बात करते हैं तभी कि पैसिव इनकम को कैसे कमाया जाता है। तो अब अपन एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं जहाँ पे एक्टिव इनकम के थ्रू आपने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया। अब बात आती है उसको कमाने की, मतलब उसको इस तरीके से यूज करने की कि उससे आप कमा सकें। तो एक्टिव इनकम के थ्रू आ जाता है ऑटोमेटेड ऑनलाइन स्टोर्स। ऑनलाइन स्टोर्स मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग सजेशंस देते हैं। तो इस टाइप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जो इस टाइप के सजेशंस देते रहते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करो तो फ़ायदा मिलेगा, या इनके थ्रू इन्वेस्ट करो तो फ़ायदा मिलने के होप्स रहते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी यानी बेसिकली एक पॉपुलर ब्रांड जिसके थ्रू आपने उनसे डिस्कस करके उनकी ही एक शॉप अपने मतलब उनकी ही एक लोकेशन अपने अंडर में स्टार्ट की है। तो मतलब एक फेमस ब्रांड है, वो चाहता है कि वो अपने ब्रांचेस एक्सपांड करे, और आप उनके पास जाते हो ये बोलते हुए कि हम आपकी ब्रांच खोलने में इंटरेस्टेड है। इस टाइप से डिस्कशन, मतलब इस टाइप से ये हो जाती है एक फ्रेंचाइजी। और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मतलब अच्छा से उसका मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिले, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी होगी, और जहाँ पे आपको बेनिफिट और अदर टर्म्स में भी मिले। फिर इसके बाद में आता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग यानी एक बड़े नेटवर्क से कनेक्ट होना और उनके प्रोडक्ट को अपने थ्रू बेचना, लाइक उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। अब बेसिकली वहाँ पे सेल्समैन को ये कहा जा सकता है, या फिर बड़े टाइप से चीज़ों को बेचना भी बोला जा सकता है। सेल्समैन वैसे से वही काम करते हैं, लेकिन वो छोटे पैमाने पर करते हैं, और बड़े मतलब बड़े डील्स को क्लोज करने वाले टिकट क्लोजर्स कहलाएंगे, और इस टाइप से और बड़े डील्स को क्लोज करने वाले, तो ये सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे। फिर इसके बारे में बात आती है दी है कि पैसिव इनकम से रिलेटेड कुछ मिथ्स। अब गाइस, यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज पैसिव इनकम बनाने के लिए एक्टिव इनकम का रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप करोगे क्या? मैंने पैसा आएगा नहीं तो पैसा इन्वेस्ट कहाँ से होगा? तो इसके लिए एक बहुत लंबा समय का वर्क, लंबा समय का प्रोफेशनलिज्म और लंबे समय की प्रैक्टिस भी लगेगी। फिर इसके बाद में बात आता है नेक्स्ट थिंग, जहाँ पे बहुत सारे ड्रीम्स को लेके बहुत सारे फ्रॉड्स को लेके आ जाते हैं। तो क्विक रिच यानी कि बस अचानक से रातों रात एक दो दिन में अमीर बनने वाली बात हो तो मैं भरोसा मत करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फ्रॉड ही होती है। और अगर अच्छी स्कीम आ भी जाती है तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में रहेगी, तो इस टाइप से बचे हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट थिंग आती है यह कि पैसिव इनकम रिजल्ट है, वो मतलब वो ऐसी चीज है, पैसिव इनकम जो है एक्टिव इनकम का रिजल्ट कहलाएगा। इस चीज को ध्यान से रखो, सो एक्टिव इनकम को उखाड़ के फेंक मत दो इससे पहले कि पैसिव इनकम का बेस अच्छा नहीं बने। सो गाइज, ये थी थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस होनी चाहिए। इसी के साथ गाइज, मॉडर्न डे एम्पायर में ऐसी सब चीज़ें आती रहती, याद रखो कि आपने देखा
एंटरप्रेनर्स रिंग ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर। यहाँ पे अपन चीजें बिजनेस रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। जरूर वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जरूर चैनल का नाम मॉडर्न डे एम्पायर। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो बाय।